Hey guys, welcome back to another video. सबसे पहले जय श्री राम आप सभी को। तो स्वागत है मेरे वीडियो में। तो आज हम आर्म्स वर्कआउट करने वाले हैं। आर्म्स वर्कआउट मेरे साथ आप जुड़िए आर्म्स वर्कआउट के लिए। चलिए फटाफट। तो दोस्तों, अभी बाइसेप वर्कआउट स्टार्ट किया है मैंने। ये पहली एक्सरसाइज है मेरी बारबेल पर। अभी स्टार्टिंग में मेरा पहला सेट होता है। मैंने 20 किलो लगाया है, 10-10 किलो लगाया है। अभी अभी मैंने इंक्रीज किया है, 2-3-20 हो गए। जितना हाई इंटेंसिटी का मार है उतना मसल भी होता है। तो पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा लीन होके मारता हूँ, मतलब थोड़ा सा आगे लीन होके फिर कर्लिंग करता हूँ। उससे पूरा प्रेस जो है पूरा बाइसेप पे आता है। इसलिए ये ट्राई करना, ये मैंने खुद ने ऐसा थोड़ा बहुत ट्राई किया, थोड़ा बहुत मिक्स करके। और इसमें मैं हैवी वेट मारता हूँ और क्लोज ग्रिप पकड़ के मारता हूँ, क्योंकि मेरा लॉन्ग वेट वीक है थोड़ा, इसलिए। और हैवी वेट ही मारना, पर फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि फॉर्म के साथ मारना। 5-6 के आसपास रेप्स फॉर्म के साथ प्रॉपर आने चाहिए, उसके बाद वीको लिफ्टिंग के फिर भी चलता है, क्योंकि उससे मसल बिल्ड होता है। तो मेरे अभी इसके लास्ट सेट है, और इसमें मैंने अभी 25 केजी ऐड किया है। मतलब ये मेरे प्रॉपर वर्किंग सेट है लास्ट के। तो वो दिखाता हूँ। मतलब मैं लास्ट के 25 किलो से मारता हूँ लास्ट सेट। पहले एक्सरसाइज हो चुकी है, लेकिन पम देखो। पम अच्छा है। बारबेल कर करता हूँ सेकेंड, और वो भी सीटेड, मतलब बैठ के करना, क्योंकि उसका जो क्या बोलते हैं वेट जो आप उठाएंगे ना वो और हैवी लगता है। ये मेरा लॉजिक है, पर प्रेस भी अच्छा गिरता है। और इसको भी मैं पहले सेट 12:30 से लेता हूँ, फिर उसके बाद 15-15 और फिर 17:30, और फिर एकदम लास्ट को 20 से, मतलब वो गिनता नहीं मैं सेट, फिफ्थ सेट वैसे ही मारता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत और क्या बोलते हैं मसल ब्रेक हो इसलिए। तो इसको ये करना, तो इसके बाद मैं करता हूँ, क्योंकि अभी मैं एक्सरसाइज नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मेरे को भी पता है ये तो देखने भी नहीं वाला है। तो अभी इसके बाद मैं डायरेक्ट पीचर्ड कल करता हूँ, फिर उसके बाद क्या करता हूँ, उसके बाद केबल कल रॉड लगा के, फिर उसके बाद हैमर, और फिर ख़त्म। यही मेरा वर्कआउट रहता है बाइसेप का। मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ कुछ बिगनर भी होते हैं उनको भी अच्छा, क्योंकि मैं भी पहले बिगनर ही था। मेरी हालत आप सबको पता ही होगी मैं कैसा था पहले। नहीं पता होगा तो वीडियो देख लेना पुराने वाले, फिर पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ये एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और यहाँ तक जिसने भी वीडियो देखा है उसके लिए प्यार।